पालक प्याज ऐसे कट कर ली हूँ, और ये है चने की दाल जो भिगो के रखी थी, इसको ग्राइंड करने के बाद डाली। अभी हल्दी पाउडर डाली हूँ और जीरा पाउडर थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ये वाला प्याज। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी बस, उसके बाद मिक्स करके मुझे इसको फ्राई करना होगा। बहुत अच्छे से पालक को साफ करना पड़ता है इसमें, ये आप देख रहे हो। और थोड़ा सा भी बेसन मुझे मिक्स करना है। तो पकौड़े सारे फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सा और रह गया, उसको फ्राई करूँगी। देन अभी ये दोपहर का टाइम हो गया था और हमारे घर में अभी कटने वाला है चिप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा आलू है ना, इसके सारे छिलके निकाल दिए गए हैं। मम्मी ने सारे छिलके बैठ के निकाले और उसके बाद इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया गया है, ताकि जब ये कट जाएगा ना, यहाँ पर देखिए मैंने इतना सारा चिप्स अभी कट भी कर लिया है। कट करने के साथ साथ इसको मैं पानी में डालते जा रही थी इसलिए, क्योंकि ये फिर काला ना पड़े अगर हम पानी डाल देते हैं, और ऐसे अगर ड्राई ड्राई रखेंगे ना तो फिर ये काला पड़ जाता है और फिर देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग इसमें कलर डाल के बनाते हैं लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं बनता है, बस प्लेन मेरे को ठीक लगता है। ऐसे भी सब मतलब पूरी फैमिली को ऐसे ही अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे जैसे कट जा रहा था वैसे ही मैं सोची कि मैं बॉयल करती भी जा रही हूँ, और ये सीज़न है चिप्स बनाने का। इस टाइम पर सारे लोग ऑलमोस्ट चिप्स बनाते हैं और इस टाइम पर आलू भी रहता है ना, और हमारे गाँव से आलू आया हुआ था, इसी वजह से हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कट कर लेते हैं। और सबको पसंद है, और स्पेशली स्पर्श को भी बहुत पसंद है, भाई को पसंद है, और इनके लिए भी मम्मी बोली कि इनके लिए भी मैं दे दूंगी, तो इनको भी बहुत पसंद है। थोड़ा सा मैं लेके भी जाऊंगी जब यहाँ से जाऊंगी। तो यहाँ पे बॉईल हो चुका है, ज़्यादा देर इसको बॉईल नहीं करना होता है। देन मैं इसको छान ले रही हूँ, उसमें मैंने बस थोड़ा सा नमक डाला है, बाकी सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक एक करके मैं निकाल ले रही हूँ, ये छन्नी में रख रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल के गिर जाए। और इस टाइम पर मैं देख रही हूँ सारे लोग चिप्स बनाते हैं, अच्छा भी लगता है। और इस टाइम पर सुखा के रख लो और पूरी गर्मियाँ फिर सर्दियाँ खाओ, ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर छान ले रही हूँ। उसके बाद मैं धूप में कपड़े भी बिछा के आई हूँ, एक साड़ी उसके ऊपर इसको डालना होगा। तो अभी तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये फर्स्ट राउंड ही था जो मैं अभी डालने आई थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी धूप में डालने के लिए, और नाइफ़ भी अभी लेते आई हूँ। नाइफ़ की हेल्प से मैं उसको थोड़ा सा फैला रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और हाथ तो जल ही रहा था लेकिन चलो इसकी हेल्प से जल्दी जल्दी हो गया। और अभी दोपहर के ना 12:30 बज चुके थे, आज मैं नहाई नहीं, बाबू की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसके चक्कर में भी ये हुआ, और ये भी सोचे कि चलो आज निपटा ही लेते ना, तो सोच सोच के ये सारा काम ना हो नहीं रहा था, तो इसी वजह से आज मैं चलो आज थोड़ा लेट ना आएंगे। और यहाँ पे एक बार बॉईल हो चुका था, दूसरी बार यहाँ पानी खोलने लगा है, उसमें थोड़ा सा नमक को और मैंने ऐड किया, और फिर से और जो चिप्स था उसको मैं यहाँ पर कट वॉश करके और फिर मैं कढ़ाई में डालते जाऊँगी। और अभी सारे चिप्स बॉईल हो चुके हैं और यहाँ पे डाल दिया गया, और अभी अभी मैं बस नहाई हूँ। और यहाँ पे चिप्स के साथ साथ साइड में ना गोभी भी डाला हुआ है। यहाँ पे मम्मी इधर साइड में अभी खड़ी हैं, तो मैं आ गई थी अभी बाहर, शाम का टाइम हो रहा है तो मैं सोची चलो थोड़ा देर बाहर बैठे थे, 3 बजे के आसपास का कुछ टाइम था अभी। रहा चिप्स ये सारा, ये इतना इतना है तो उसे दिखाऊँ, ये जो गोभी था वो है, और ये देखिए चिप्स, इतना सारा चिप्स। सूख जाएगा तो थोड़ा सा हो जाएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा दिखने को लग रहा है। खड़ियाँ इधर हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई थिंक 3:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा है, और आज मैं सुबह में थोड़ा सा ब्लॉग बनाई, दोपहर में थोड़ा सा बनाई जब चिप्स कट हो रहा था, काफ़ी लेट आज मैं नहाई हूँ, 1 घंटे हो चुके हैं।
तो मैं दिखाई थी ना आपको कि चिप्स कट रहा था, मम्मी खड़ी है इधर जो बाहर देख रही थी रोड के साइड में, कुछ देखते रहो तो मन लगता रहता है। और गोभी जो कल दिखाई थी वो थोड़ा बहुत सूख गया है, थोड़ा सा है और चिप्स सूखने में टाइम लगेगा आई थिंक ना, कल सूख जाए हो सकता है, क्योंकि आज शाम हो गई है तो फिर आज सूखे जाएंगे। और स्पर्श को अभी अंदर छोड़ के आई हूँ, बाहर आई एक वीडियो बनाना था तो मैं वहीं बैठी हुई थी थोड़ी देर के लिए। स्पर्श अंदर बैठा हुआ है, उसको बीच में उसकी फ़ीवर ठीक हो गया था लेकिन फिर से उसको कल इवनिंग से ना फिर से फ़ीवर आ गया, बहुत तेज कल फीवर आया। रात में दवाई दी ठीक था, मतलब कल दोपहर से आ गया था उसको फ़ीवर, फिर इस टाइम पे मैं उसको दवाई दी हूँ, सुबह भी दवाई दी थी, लेकिन अब मैं देख लेती हूँ शाम तक अगर उसका फ़ीवर नहीं उतरा तो कल मैं फिर से उसको डॉक्टर से दिखाऊंगी, क्योंकि बार बार कंटिन्यू एक्चुअली उसको ना ठंड लगने लगी है, ठंड ही लग जा रही है। जब भी ऐसे ठीक हो गया तो मेरे को लगा चलो ठीक है, मैंने भी उसको मतलब इनर वगैरह डालना छोड़ दी थी, लेकिन पता नहीं यार कैसे फ़ीवर आ जा रहा है। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन आज ठीक लग रहा है, कल इवनिंग में मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी फ़ीवर हो जाएगा, लेकिन भगवान की दया से ठीक हूँ मैं अभी। और यहाँ पे बैठने में इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गर्मी भी बहुत नहीं है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। और था ना कि चिप्स सूख जाए तो अच्छा है, थोड़ा बहुत फ्राई करके खाएंगे, बड़ा लालच आ रहा है देख देख के। और मुझे ये घर का बना हुआ चिप्स बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैं मम्मी को ये वाला लगा रही थी एलोवेरा जेल रोलर, जो रोलर के साथ आता है, दिखाती हूँ आपको ये, तो ये लगा रही थी। और मम्मी के लिए एक सीरम मंगाया है तो वो मैं मम्मी लगा रही है, लेकिन उसका रिव्यू मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जा रही हूँ मैं, पकौड़े आज बनाई थी पालक पकौड़े तो वो अभी है, और थोड़ा सा बेसन है ना तो उसको मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज में डाल दूँ, कल आलू के साथ मिक्स करके बनेगा, टेस्टी लगेगा। चलिए अंदर चलते हैं, इधर बैठती हूँ तो बाहर से बहुत सारी आवाज़ बाइक बाइक की आवाज़। और यहाँ पे गोभी कट हो रहा है, इतना सारा गोभी है इसलिए क्योंकि इसको सुखा के जब हम रख देते हैं ना, तो गर्मी के सीज़न में जब गोभी नहीं होता है, फ्रेश गोभी नहीं मिलता है उस टाइम पे, हमारे घर में ऐसे ही होता है अक्सर, सर्दियों में सुखा दिया जाता है गोभी को और फिर उसके बाद आलू के साथ मिक्स करके या फिर सिर्फ गोभी की सब्जी भी बना सकते हैं, और ऐसे स्टोर करके रख दो एयर टाइट कंटेनर में तो काफ़ी दिन तक चलता भी है, तो इसीलिए मम्मी यहाँ पर इसको कट करी हैं। और उसके बाद अभी तो यहाँ पर मम्मी फिर इसको बाहर आई, पहले वाला थोड़ा सा गोभी था तो उसको हटाने के बाद उसको बोली कि अब इसको भी रख देंगे, लेकिन ऐसे ही बस फैलाते रही हैं, कल धूप निकलेगा ना तब सुखाया जाएगा। और थोड़े से चने थे उसको मैं दिखाई थी ना कल वाले ब्लॉग्स में, और उसके बाद बाबू को थोड़ा मैं बाहर लेके आई हूँ, अभी उसका फीवर एक्चुअली उतरा हुआ था, थोड़ा सा शरीर इसका ठंडा लग रहा था तो मैं थोड़ी देर बातें यहाँ पे कर रही थी उससे, मैं सोची कि चलो बाहर भी बैठ ले क्योंकि काफ़ी देर से वो सोया हुआ था, लेटा हुआ था, और जब फीवर बच्चों को रहता है तो बहुत ही सुस्त हो जाते हैं और बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और साथ ही साथ ना मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारे घर में कितना अच्छा पुदीना का ये छोटे छोटे पौधे हो गए हैं, और ये पूरे ये गमले में पूरा पुदीना का पत्ता है, और इसको सच में इसको राइस के साथ ऐसे डालो ना बहुत टेस्टी लगता है, फिर चटनी बनाओ। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इसमें से कुछ पौधे लेके जाऊँगी चंडीगढ़ लगाने के लिए गमले में, वैसे तो वहाँ भी मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर लेके चली गई तो लेके चली गई। ये देखिए ये लहसुन का पौधा ऐसे मम्मी ने बकेट में ऐसे लगा दिया था, ये धनिया है ये तो बिल्कुल बड़ा बड़ा हो गया, इसमें बीज भी आ चुके हैं, तो बस ऐसे ये लगा हुआ था खाने के लिए या फिर सब्जियों में डालने के लिए, लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो वैसे ही पड़ा हुआ है। और अभी हमारे घर में किचन में बन रही है मैगी, मम्मी बना रही है पापा के लिए नींबू वाली चाय, क्योंकि मिल्क वगैरह वाला अभी नहीं पी रहे हैं, बस नींबू का प्लेन थोड़ा सा चाय पी लेते हैं हाफ कप, एंड यहाँ मैगी बन रहा है क्योंकि शाम के टाइम थोड़ी थोड़ी सबको भूख लगी हुई थी। और अभी भाई बना रहा है मैगी, और उसको ये सारी चीज़ें बनाना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है बहुत टेस्टी बनाता है। तो यहाँ पे सारे मसाले प्याज टमाटर मिर्च धनिया पत्ता सब कुछ ऐड करने के बाद जितने देर खौलाना है वो खौलाएगा, उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम खा लेंगे, वैसे शाम के टाइम थोड़ा थोड़ा ही खाओ, थोड़ा बहुत काम था तो वो मैं किचन का निपटा दे रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारी मैगी रेडी
हो चुकी है। मैगी में भाई ने अपने मैगी में चीज़ डाला है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैगी के साथ चीज़। तो और अभी गुड इवनिंग, शाम के 6:30 हो रहे हैं। अभी हम लोग अभी जस्ट मैगी खाए, मैगी बना था तो वो खाए और स्क्वॉश थोड़ा सा ही खाया। इसकी फीवर ना उतर तो गई है लेकिन इसको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, तो थोड़ा सा ही खाया, उसके बाद इसने छोड़ दिया। तो मैगी खाने के बाद अभी अभी फ्री हुए हैं, मम्मी पापा भाई तीनों लोग बाहर बैठे हुए हैं अभी। और मैं अभी 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 रूम में आई क्योंकि स्क्वॉश बोल रहा था कि मम्मा लिखना है, तो इसको कॉपी और पेन दी हूँ मैं लिखने के लिए। और फिर कमेंट्स के अभी आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई कर दी थी, ये मेरा टेढ़ा हो गया। और हाँ, ये वाला ना जो गले का मैंने पहना है, इसके लिए बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग जो यूट्यूब पे, मैं बता देती हूँ ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, इसको मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है। नहीं तो अगर मैंने ऑनलाइन ली होती तो मैं लिंक जरूर दी होती या फिर वीडियोज़ में जरूर दिखाई होती, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। एक बार और मैं शायद अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिया था, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि इसमें का सेम मेरे को ना गोल्ड का बनवाना है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 3 हार्ट है, बीच वाला जो है ना, इसमें मैं नज़दीक से दिखा दूँ शायद आपको दिख जाए, बहुत ही प्यारा लगता है डालने के बाद साड़ी के साथ, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। और एक सबसे ज़्यादा जो मेरे को कमेंट आता है कि आपकी भाभी क्यों नहीं दिखती हैं ब्लॉग में, वो शादी होते होते क्यों चली गई हैं, कहाँ चली गई हैं, ये सारे क्वेश्चन, मतलब थोड़े से मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं अभी तक। मैं एक्चुअली कि भाभी ससुराल मतलब शादी होते होते कहाँ चली गई, क्यों नहीं दिखती हैं, खाना क्यों नहीं बनाती हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे कमेंट। तो मैं बता दूं कि भाभी एक्चुअली यहाँ पे है ही नहीं, अगर वो होती तो वो ज़रूर दिख जाती। और शादी के बाद वो क्यों चली गई, एक्चुअली जब यहाँ से शादी के बाद जब वो गई तो मेरे पास ही आई थी चंडीगढ़, आप लोग देखे भी थे जब वो लोग शिमला कुल्लू मनाली वगैरह गए हुए थे, तो वहाँ पे गई थी। उसके बाद फिर अभी मतलब शादी के बाद यहाँ पे नहीं आई, शादी के बाद जस्ट चली गई थी हनीमून पे, वो लोग चले गए थे उसके बाद नहीं आई हैं। तो वो एक्चुअली जॉब करती हैं तो इसलिए यहाँ पे नहीं रहती हैं, कुछ दिन तक 10 दिन तक यहाँ रही थी शादी के बाद, और इसलिए वो यहाँ पे नहीं रहती हैं। अगर आएंगी तो फिर मैं आप लोग को ज़रूर मिलवाऊंगी ब्लॉग्स में। यही आप लोग के क्वेश्चन का आंसर था, आई थिंक आप लोग समझ गए, क्योंकि बोलते ना कि छुपा के क्यों रखती हो, दिखाती क्यों नहीं हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स ही मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। तो आज काफ़ी लेट मैं नहाई थी बाबू के चक्कर में, क्योंकि बाबू की तबीयत पता नहीं क्यों ठीक नहीं चल रही है, मैं बस वही वेट कर रही हूँ, अगर मॉर्निंग तक ठीक नहीं रहा तो कल मैं इसको पक्का डॉक्टर से दिखाऊंगी क्यों इतना फीवर आ रहा है। वैसे बीच में ये ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था, बस जुकाम जुकाम था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ के अच्छे से ब्लॉग के साथ। एक्चुअली इसके बाद कोई वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ।